नमस्कार ओम शांति कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों मैं आपका स्वागत करती हूं आज हम चिरा किताब में से ले रहे हैं एक ऐसी कविता जिस कविता का नाम है आतंक और विश्व शांति आइए बात करते हैं यशपाल जी की द्वारा लिखी हुई है ये मैं आपका आप मेरे मेहमान का स्वागत करते हैं यशपाल शर्मा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद आपकी चिरा किताब में से ली हुई एक ये कविता जी जिसका नाम है आतंक और विश्व शांति जी इसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी सूरत मानव कर्म दरिंदा आतंकवाद आतंकवाद फैलाने वाला अतुर इंसानी हस्ती मिटाने होली रक्त मचाने वाला बम बं बंदूकें लेकर हाथ जगत में भय फैलाने वाले नर नारी मासूमों को पल में खाक मिलाने वाले सोच मिली है हैवानों वाली शांति गला दबाने वाले पाकिस्तान जिनका आका आंत की शिविर लगाने वाले असंख्य वंश दीप बुझाए कुटुंब नामो निशान मिटा बहने विधवा बच्चे यातिम सर्व सब जिनका है लूटा, छूटी अपनी मृत भूमि घुट घुट सांसे जीने वाले गह नींद सुख चैन खोया आंसू चुपके पीने वाले इसका भावार्थ आतंक का नाम सुनते ही आदमी हिल जाता है जरूर जी आतंक क्या है मानवता का रास्ता छोड़ करके अपराध बिना, बिना, बिना किसी जुल्म के और बिना किसी कारण के जो किसी को गोली मारता है बम से उड़ाता है वो आतंकी है उसे हम आतंकी कहेंगे जी ये आतंक प्रश्न उठता है कि ये आतंक कहां से पैदा हुआ पाकिस्तान एक इस्लाम मुल्क है जी। वो कट्टरता वहां उन नेताओं में कूट कूट कर बरी हुई है जी। तो जब उसने देखा कि उन्नीस सौ इकहत्तर के, के युद्ध के बाद मैं हारा हूं मुझसे एक बाग टूटा है बांग्लादेश के रूप में जी। तो सन उन्नीस को उनके त्रियानवे हजार कैदियों को सैनिक कैदियों को बाइज्जत एक एक अंबल देके हर तरह की उन्हें हमने सुरक्षा दी तीन चार तीन साल और बाद में उनको भेजा वहां पे तो उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई एक सलाह की उनके मंत्रिमंडल ने भारत को खत्म करने के लिए एक ऐसा षडयंत्र रचा जाए एक ऐसा चक्र भी त्यार किया जाए कि इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, ताकि हम बांग्लादेश का जो प्रतिशोध है वो ले सके तो वहीं से उन्होंने इस मुहिम को शुरू किया जे. और उसका सबसे पहला उनका निशाना था जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर तीन सौ सत्तर का जो मसला है जी। इसकी तय तक जाना बड़ा लंबा एक प्रश्न है और ये हमारे नेतागनों की ये एक बनाई हुई समस्या थी जिसे वो खुद पैदा करके गए और उसका भुगतान कैसे करना पड़ा सैनिकों को सुरक्षा कर्मचारियों को जी। और जो बिल्कुल नरी लोग जिनका कोई अपराध नहीं है उन लोगों को सारा कुछ ये सहन करना पड़ा उन्होंने वहां पे एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसे हम हुरियत बोलते हैं हुरियत के कई नेता वहां पे उनका एक ही काम था कि पाकिस्तान की भाषा बोलना जी। और भारत से पैसा लेना अगर उन्होंने दिल्ली आना है उनके लिए होटल सुरक्षित होते थे आने जाने का किराया उनको मिलता था सुरक्षा कर्मचारी उनको मिलते थे और पैसा मिलता हर सहूलत मिलती थी उनके बच्चे पढ़ते हैं जाकर के दूसरे विदेशों में तो उनका दिमाग ऐसा चक्कर खाया ऐसी उल्टी उन्होंने राह पकड़ी और हमारे जो नेतागण थे जो सारा तमाशा देखते रहे कि जो होते पता है चोर कौन है बीमारी क्या है किंतु तो उन्हें उस बीमारी की नब्ज पकड़ी नहीं उस वो जो रास्ता था वो जो लाइन थी उनको वहाँ से पैसा आने वाली उन्होंने काटी नहीं पता भी है उनको किंतु तो फिर भी आप राजनीतिक लाभ के लिए ये जो पार्टियाँ उसका लाभ लेती रहीं और आतंक वहाँ पे फैलता रहा कश्मीरी पंडित जितने वहाँ पे थे वो सब के सामने उन्होंने एक घोषणा कर दी अपनी मस्जिदों से कि यहाँ से भाग जाओ या मुसलमान बन जाओ दो चीजें एक स्वीकार कर लो तो लोग से से भागे, उनमें मेरे भी है, अक्वायर कर ली जो उनके घर थे वहां पर कब्जे कर लिए या उनको जला दिया गया उनका क्या अपराध था आतंक आतंक का आका पाकिस्तान है सबको पता है केंद्रीय सरकारों को भी पता है वहां की जो जो सरकार है वहां पे जम्मू कश्मीर की उसे भी पता है किंतु वहां पे आड़े क्या रहा था 370 सौ सत्तर आड़े आ रहा था वहां के कानून और इधर के कानून में कुछ फर्क था बहुत ज्यादा फर्क था क्या वहाँ के, के जो लीडर थे वो ऑटोनोमी मांग रहे थे ऑटोनोमी होती है पाकिस्तान से जो आदमी वहां वहां पर स्त्री पुरुष आके जी। तो वो वहां का नागरिक बन जाता है उसे, दो, उसे उसे दो अच्छा। यानी के के वो जे एंड के को जो सभी हमारी जगीर है हम जो मर्जी कानून जहां पे बनाए सरकार जितना मर्जी वहां पे पैसा भेजे हमें कोई हिसाब किताब मांगने वाला नहीं है और वो पैसा जो नेता गण थे उनके घरों में चलता गया उधर पाकिस्तान से पैसा आता रहा हुरियत वालों के थ्रू हुरियत वालों को पैसा आता रहा उनका एक ही काम था आतंक को फैलाना भारत को धमकाना और और पाकिस्तान की भाषा वो लोग बो, बोलते रहे और केंद्र सरकार ने उनका कोई इलाज नहीं किया जब उनके साथ उनकी सरकारें बनती थी ज्वाइंट सरकारें बनती संयुक्त सरकारें बनती थी जी तो, तो वहां पे दोषी कौन है वो सरकार दोषी है जिसके नाक के नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है सुरक्षा कर्मचारियों के हाथ बांधे हुए हैं सैनिकों के हाथ बांधे हुए हैं जब तक हम नहीं कहेंगे तो हम गोली नहीं चलाओगे इसे अंदर नहीं करोगे इसे पकड़ोगे नहीं आतंक फैलता गया आतंक फैलता 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 इतना फैला पाकिस्तान को ही अपनी लपेट में दे दिया एक मेरे मित्र ने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई कहते हैं हमारी जो सेनाएं जब चलती हैं लड़ने के लिए या सरहदों पे जाती हैं तो उनके साथ कोई नहीं होता सिर्फ सैनिक होते हैं किंतु वो जब युद्ध में जाते हैं या जा कोई या अपनी सीमाओं पे जाते हैं तो उनके साथ आतंकी भी साथ होते हैं और जितनी आतंक की नर्सरी है एक ही मुल्क है वो है पाकिस्तान दूसरे के घरों के ऊपर पत्थर फेंकने जो शीशे के घरों के ऊपर पत्थर फेंकने से बेहतर है कि वो अपने घर के ऊपर देखे कि कभी ये अगर जो बिगड़े हुए लोग अगर जो उस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं तो बर्बाद हमें भी करेंगे आज पाकिस्तान का भाई हाल हो गया जी। मैं बात करता हूँ साबा बिन लादीन की जी। उसने आतंक मचाया अमेरिका के ऊपर हमला कि उसने किया जी। और, और अमेरिका का जो वो टावर था यहाँ पे उसने पता नहीं कितने बढ़िया बढ़िया उसके डिफेंस के आर्थिक दूसरे आ, उसे तबाह किए और उसके पीछे इसका इसका काम था इसका दिमाग था पाकिस्तान का दिमाग था पाकिस्तान एक थानेदार है और पूरी दुनिया का वो एक माना हुआ मुल्क है चाहे आर्थिक स्थिति में चाहे शहरिक स्थिति में उसने क्या किया उसे पता था कि यहाँ पे क्या क्या नहीं होता है उसने जा के पाकिस्तान कहा मेरा साथी बनो पाकिस्तान को उसने अड्डे ले लिए अफगानिस्तान में उसने अपनी सेवाएँ भेजी और फिर लादेन के तरफ हुआ और ओबामा के राष्ट्रपति ओबामा के राज में वो कहाँ रहता था जहाँ पे पाकिस्तान की छाबनी थी सबको पता है लादेन कहाँ है जब हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को पूछा जाता कि पाक भाई वो वो लादेन कहाँ है वो सामा में लदेन कहाँ है जी पाकिस्तान में है किंतु पाकिस्तान जो हुक्मरान थे वो वो कहते थे कि वो हमारे पास नहीं है अगर हुआ क्या वो अमेरिका है उन्होंने अपने कमांडो तैयार किए कमांडो तैयार करके वो इस ढंग से उतरे और उसे अंदर जाके मारा और लाश को उठा करके उन्हें जा करके समुद्र में फेंका कि इसकी हम समाधि भी नहीं बनने इसकी मर्द नहीं बनने देंगे हम पाकिस्तान बोगरा जी हमें पता ही न जहाँ रहता है ये कैसे हो सकता है जी। आगे मैं बात करता हूँ कि बॉम्बे वाले कांड के बॉम्बे वाला जो कांड है ये हाफिज सईद के दिमाग की उपज है उसमें सैकड़ों की तादाद से हमारे नागरिक हमारे ही देश के नागरिक नहीं जो होटल में मारे गए हमारे ही देश के नागरिक नहीं थे वो दूसरे देशों के भी वहाँ नागरिक वहाँ ठहरे हुए थे वो भी मारे गए और जी. उसके पीछे उनको उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं आप तुम ये करो आप तुम वो करो अब ये करना है वो करना है उसमें हमारे भी नौजवान बहुत अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारी भी उसमें मारे गए किंतु पाकिस्तान को जब कहा गया कि उनके ऊपर मुकदमा चलाइए इसको अंदर करिए इस, इस, इस हाफिज सईद को आज तक उसका फैसला नहीं हुआ है कितने वर्ष हो गई हैं इस बात को किंतु आज तक उसने वो नहीं किया है जब खुद ही आतंकी है वो भारत को बर्बाद करने के लिए हर तरह से बर्बाद करने के लिए आतंक रचा ही उसने है जी तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है संयुक्त राष्ट्र बनाया इसलिए इस था कि विश्व में शांति हो सबको पता है और उसका सबसे बड़ा जो हमदर्द है वो चाइना है चाइना नहीं चाहता क्योंकि चाइना क्यों उससे जुड़ा हुआ है कि सन बासठ में चोर का चोर भाई सन बासठ में उसने बिना किसी कारण के एक विश्वास के साथ नेहरू को विश्वास में लेकर के पंचशील को अपना करके उसने हमला किया था बासठ में और भारत का बहुत सा जो एरिया है उसके कब्जे में है अभी भी है किसी ऑफिसर ने मुझसे मैंने उसे एक बात पूछी एक वहाँ पर चित्र लगा था तो काफ़ी ऑफिसर बैठे थे तो एक चित्र वो था जिसमें सन उन्नीस सौ इकहत्तर में जी। जब ए, ए न्याजी जो उनका कमांडर था सेना का उसे साक्षर करवाए थे और हमारा भी जो सेनापति था अरोड़ा वो भी उसके साथ था तो वो सकामते हाथों से वो साइन कर रहा है कि मेरी तिरानवे हजार जो फौज है वो भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है हथियारों से हथ कर रही है कोई हमारी शर्त नहीं हम कैदी हैं इस समय हिंदुस्तान के तो मैंने पूछा कि ये जो चित्र लगाया भाई ये क्यों लगाया है तो मेजर साहब बोले सर आपको नहीं पता यार मुझे नहीं पता मैं तो पहली बार चित्र देखा है जी कह देखो हमारी सेनाएं जो हैं इतनी बहादुर हैं कि तिरानवे हजार कैदियों को उन्होंने पाकिस्तान के कैदियों को आ, ब, ब, कैदी बनाए हम भारत में तो मैंने उसे प्रश्न किया कि मेजर साहब हिंदुस्तान को क्या फायदा हुआ क्या फायदा क्या हुआ ये एक बहादरी का प्रतीक है कि हमारी सेना इतनी प्रतीक है जी। मैं आपकी सेना आपकी सेना बहादुर है मैं मानता हूं किंतु आपके जो नेता हैं इस देश के जो फैसले लेने वाले मैं वो गद्दार हैं, वो नादान हैं, वो दुखेबाज है। तो वो मेरे मुंह के तक कितनी देर देखता रहा आप जी कैसे कह रहे हैं महा मैं आपको मैं समझाता हूँ आप क्या काम करते हैं मैं मैं अध्यापक हूँ मैंने इतिहास पढ़ा है मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ और मैं क्या मैंने ये जितना सारा इतिहास है पढ़ा है मैं जब शिमला समझौता हुआ इंदिरा गांधी वहाँ पे गई समझौता करने ए हाँ जी गई मैं कौ समझ यार पार्टी में क्या तय हुआ था जी मुझे नहीं मालूम मैं मालूम होना चाहिए जी आल पार्टी में ये हुआ था कि इनका तिरानवे हज़ार कैदी तब छोड़ा जाए जब पूरा कश्मीर जीवाकू पाइट कश्मीर है उसको जो उसको उसके पूरे का पूरा छोड़ेगा तब उसके तिरानवे हज़ार कैदी छोड़ेंगे और लाहौर की इच्छो नहर तक हमारी फ़ौज उसके पार में जो किनारा है वहां तक चले गई थी वो सारे इलाके जीते हुए हमने दिए क्यों क्या लिया मैं क्या हिंदुस्तान के उस नेता ने क्या लिया क्या लीडरी है उसकी न क्या आपके हमारी सेना के जवान मरे इतना पैसा गया इतना कुछ हुआ मैं क्या हिंदुस्तान को क्या मिला टोपाक एक टोपाक नाम की जो योजना थी जिसके अंतर्गत सारा कुछ उन्होंने किया मैं क्या वो सफल हो गए हुए या नहीं हुए वो जितने फीसद बैठेगा ना शर्मा जी आपकी बात सही है आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमें कुछ प्राप्त में हुआ सबाय इसके कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने रक्त बहाया है निर्दोषों को मारा है हमारे सैनिक कितने मार रहे हैं हमारे आम नागरिक कितने मार रहे हैं मैं कह ये सारा कसूर उन लीडरों का है जिन्होंने वहाँ पर जाकर के फैसले किए हैं मैं कह ये तो अनपढ़ अनपढ़ा भाई आदमी जानता है कि ये आदमी ऐसा जो लुच्चा है जो मुल्क इतना लुचा आदमी है जो जो मुल्क है इसको रगड़ करके रखा जाए उससे कहा सेनाएँ तुम्हारी तब छोड़ेंगे पहले पूरा कश्मीर खाली कर जो आकुपाइड किया तुमने और इतना हर जाना हमें दो मैं क्या बांग्लादेश बन गया अलग मुल्के मुल्क बना हमें क्या मिला वो वो मुल्क बनाने में क्या मिला हमें मेरी बात को उसने तस्लीम तो किया शर्मा जी आप ठीक कहते है हैं मैं क्या नीति बान बुटो जब फैसला वहाँ पर होने लगा था तो वो उसने क्या किया तमाशे किए वहाँ पर उसने देखा कि जब ये नहीं मान रही है कि कश्मीर को छोड़ो तो उसने अपने बाढ़ नोच लिए वो लेट नहीं लगा अपने कपड़े फाड़ दिए तो उसने वो बहन करके की है कि बहन अगर मैं कश्मीर दे देता हूँ तो मेरा परिवार वो खत्म कर देगा वो उसके जानसे में आई और लिख दिया ठीक है सब हम सब छोड़ते हैं इलाके जीते हुए वापस देते हैं कश्मीर का मसला कोई भी नहीं है क्या लिया मैं मैं कब बढ़िया क्या होता वह बढ़िया ये होता कि ये जो लड़ने वाले सेनापति हैं उनको उनको टेबल टाक के ऊपर बैठाया जाता जी और पूछा जाता कि आप अपना फैसला दीजिए जो वो जिन्होंने इलाके जीते हैं जिनके जिनके वो रहनुमाई में सैनिकों ने अपने प्राण दिए हैं मैं क्या उन्हें उनको पूछो उन लीडरों को उन जो ऑफिसर हैं सेनापति हैं मेजर हैं जनरल हैं ब्रिगेडियर हैं उनको पूछो उनके दयाल बिली वो कहते हैं ये वो सैनिक नहीं हमारे बच्चे हैं हमारे भाई हैं मैं विधवाओं कितनी विधवाएं होंगी कितने बच्चे जतीम हो गए कितने माँ बाप जिनका एक बच्चा था वो मारा गया वो सारी उम्र होते चले गए पाकिस्तान ने ये दिया हमें इंदिरा गांधी हमें ये देकर के गई क्या लीडरी है जे। मेरी बात को सीम किया शर्मा जी आप बात ठीक है ही आपने उस समय कश्मीर से उसको भगाया होता और पाकिस्तान मर गया होता मैं कहा उस समय पाकिस्तान के एक एक घर से चार चार दो दो तीन तीन सैनिक थे उनको सैनिक चाहिए थे उनको कश्मीर नहीं चाहिए था जी गलती कौन कर गया हमारे लीडर कर लीडर कर लोग कर गए जो देश के रहनुमा हैं उनको सोच समझ करके हर फैसला लेना है और अब देखिए फ्रांस के ऊपर फ्रांस में कितनी बार वहाँ पे हमले हुए आतंके हुए हैं हमारे हवाई जहाज़ किए गए हैं जिस और हाफज जो सईद है जिसने बोबे वाला कांड करवाया वो उसी में छोड़ा गया था जो सलाहुद्दीन है वही वही उसे भी छोड़ा गया सलाहुद्दीन ने पठानकोट पे हमला करवाया जी और पूछ में हमला करवाया तो कितने हमारे सैनिक मरे सैनिक वहाँ मारे गए थे और सईद ने जो कारनामा किया वहाँ पे सैकड़े मर गए सैकड़े जख्मी हो गए जी और इसी तरह से कितने कांड हुए वो जो उसके आका हैं आतंक के वो सारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो ये सारा जो विश्व है आज आतंक की लपेट में है तो ये आतंक रोका कैसे जाए रोकने का एक ही हद है कि इस मुल्क के नाक में नकेल डाली जाए इसे आर्थिक रूप से कोई सहायता ना दी जाए इसे सारे संबंध विच्छेद कर दे सारे मुल्क और जो उसको सहायता करने चाइना है उसको उसे कह के जाते तो बंदा बन जा नहीं बनना है तो तुम्हारे साथ में जितनी विश्व बरादरी है वो सारी तुम्हारा बायो करती है अब सलाहुद्दीन के ऊपर अब बड़ी मुश्किल से उसने बीटो कितनी बार किया था उसके बारे में आतंकी घोषित करो जुआन ने कई प्रस्ताव पास किए अब जाकर के उसका भी इलाज हुआ है जी। और होता क्या है एक पार्टी का मेंबर होता है वो तो पार्टी का नाम बदल जाता है दिमाग उसी का होता है वहां पे पाकिस्तान एक लुच्चा मुल्क है एक आतंकी मुल्क है और जब तक इसको घुटनों को बल नहीं किया जाएगा तब तक इस सुधरने वाला भी नहीं है अब जो सरकारें अब आ रही हैं उन्होंने ऐसे काम किए हैं अपने गुप्तचर विभाग को चुस्त दुरुस्त किया है अपनी सेना सेवाओं को सेनाओं को सुरक्षा कर्मचारियों को अब उन्होंने चुस्त दुरुस्त किया है अच्छे हथियार दिए हैं कोई ऐसी चीज़ें दी हैं जिनसे आने वाले जो उग्रवादी हैं उनका पता चलता है कि वो आने हैं वो पहले अलर्ट हो जाते हैं अब इसका इलाज तो हो रहा है किंतु हो धीरे धीरे रहा है विश्व बरादरी अभी तक पूरी सुचेत नहीं हुई है जिनको चपेट लगी है वो थोड़े से हिंदुस्तान के पक्ष में बोलते हैं अब अमरीका भी कहने लगा है कि आपने जो देखो जिस हिस्से को जो हमारा है जिसका विलय हमारे हमारे भारत के साथ हुआ है वो दो बटा तीन हिस्सा वो उसके पास है वो हमारे वो भी हमारे नेताओं की गलतियों के कारण वो वहां पे चला गया है उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में वही एक हाल था वही एक मौका था कि उसे खादी करवाने का वो मौका हम खुद जान बूझ करके वो गुमा उसके बाद आतंक कितना फैला कश्मीरी कि सारे इधर आ गए अपने ही देश में अपने ही देश में, में वो वो बेचारे पर्यटक बने हुए हैं दरब दर घूम रहे सो ये लीडरों की बात है अब जाकर के असंग को नकेल पड़ी है अब थोड़ी सी नकेल पड़ी है क्या अब की जो केंद्रीय सरकार है उसने तीन सौ सत्तर को उसने खत्म किया है लद्दाख का क्षेत्र अलग बनाया है जम्मू और कश्मीर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया है वहाँ की जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी किसकी देख रेख में का केंद्रीय सरकार की देख रेख में काम करेगी और जितनी वहाँ पे पुलिस है वो सारी उसी की देख रेख में काम करेगी अब काली बेडे अभी भी हैं वहाँ जो आतंक का काम करवाती हैं किंतु रोज के रोज आतंकी मारे जा रहे हैं जी और जो काली बेडे हैं वो भी बाहर आ रही हैं उनको भी अंदर किया जा रहा है अभी अभी एक डी को पकड़ा है इन्होंने जिसकी कार के बीच में दो उग्रवादी साथ पकड़े गए हैं रंगे हाथों तो काली भेड़े अभी जो जो पैसा लेते थे उनसे वो काली भेड़े भी अब धीरे 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 बाहर आने लगी हैं सरकार ने सख्त कदम किया है और पाकिस्तान घुटनों के बल है और रोया है मैं भी आतंक से पीड़ित हूँ देखो जी यहाँ पे कश्मीर है मुसलमानों की बात है देखो जी पाकिस्तान उन पर जुल्म डाल है उन्हें पहले अपने घर में देखो जी। उसने कहा तुझे कश्मीर का आतंक दिखाई देता है कश्मीर का जो मुसलमान है उसको उसके ऊपर तुम्हें दिखाई देता है भारत का चाइना में देखो दस लाख मुसलमान उन्होंने अंदर किए हैं वो किस किस हालत में वो मुसलमान नहीं है तुम उस, तुम उसके लिए क्यों नहीं रोते उसके लिए क्यों नहीं बोलते तुम तो पाकिस्तान के जुआन में बोलती बंद हुई कहना वो भी मुसलमान है उनके लिए भी सवाल उठाओ ना तो अब जो चार पाई की जो रस्सी है वो कसी जा रही है और पाकिस्तान को घुटने के बल किया जा रहा है एक बात और अभी उसे ब्लैक लिस्ट में अभी वो नहीं किया गया है अभी वो ग्रे लिस्ट में है जब वो ब्लैक लिस्ट में आएगा तो फिर क्या होगा उसे कोई भी विश्व के जो विश्व कोश है वहाँ से उसे कोई सहायता नहीं मिलेगी वो अपनी फैक्ट्री कोई नहीं बना सकता डैम कोई नहीं बना सकता वो कंगाल मुल्क है हम अखबारों में देखते हैं हम टी वी देख रहे हैं कि जो आटे का बाप देखो वहाँ पर क्या है टमाटर का बाप देखो वहाँ पर क्या है चीनी का बाप देखो वहाँ पर क्या है पाकिस्तान ने जब जहाँ पे आतंक फैलाया तो केंद्रीय सरकार ने उसे कसा जो वहाँ पे वाले थे जो जितने भी उग्रवादियों के आका थे पैसे पैसे लेकर के उधर की बातें को उधर के नारे लगाते थे हमारा बोलो कौन है जी पाकिस्तान है हम पाकिस्तानी हैं हम जे हम हम जहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे सबको अंदर दिया है सबकी सहूलतें नहीं हैं सुरक्षा कर्मचारी दिए हैं तीन सौ सत्तर तोड़ी है और केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया है जम्मू और कश्मीर को और को उन्होंने कहा कि जिस जे वहाँ पर कोई आ, कोई और बोलते हैं वो उसका वो अपने ढंग से वो काम देखती है तो अब पाकिस्तान रोया लड़ाया है बहुत रोया है सब ने यही कहा है ये आंतरिक मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते इमरान खान खुद रो रहा है रो क्यों रहा है लोग छोड़ ही रहे अरे क्या हो गया अरे वो देखो क्या बन गया तू कैसा लीडर है तू जाता है तो देखो पूछता नहीं तू खुद जो राजदूत है उसकी गाड़ी पे जाता है मोदी जाता है वहां पे भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो उसकी आगवानी करने के लिए जो लीडर हैं वहाँ के जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है वो खुद वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाते हैं स्वागत करने के लिए और तू जाता वहाँ आता ही कोई नहीं है चोर आदमी आतंकी आदमी कि लोग कितनी देर कदर करेंगे कोई कदर नहीं करने वाला अब पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता हो गई है आतंक धीरे धीरे आए, नीचे आएगा आपकी अंतिम हैं जी हाँ हम पुजारी सत्य हिंसा गांधी बुद्ध को मानने वाले दशमेश राणा संतान छाती अन्य तन्ने वाले अंतिम की आपकी पंक्तियाँ हमारे जो सैनिक हैं हमारे सुरक्षा कर्मचारी हैं <coughs> कितने मारे गए हैं अब वो छोड़ेंगे नहीं अब किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे आतंकी रोज के कितने कितने मारे जा रहे हैं आगे दिल्ली में कभी इधर कभी इधर वो बम दबाके होते थे अब नहीं हो रहे हैं उसका कारण गुप्तचर विभाग को चुस्त दुरुस्त किया गया है प्रांतीय सरकारों ने अपनी पुलिसों को चुस्त दुरुस्त किया है से अपनी सीमाओं को चुस्त दुरुस्त किया है और एक ही लक्ष्य है कि हम आतंक को नहीं रहने देंगे हम, हम हमने आतंक मिटाना है और इस समय जो कभी उसके बड़े आका रहे हैं बड़े मित्र थे बाँ बे बाँ फ फंसा करके कभी पाकिस्तान के चलते थे अब उन्होंने कहा है सुधर जाओ जे आतंक ख़त्म करना होगा जी पूरे विश्व में जे फैल गया है अगर वो एनर्जी हथियार उनके हाथ आ गए उग्रवादियों के तो ये पूरा विश्व को उड़ा देंगे को कोई भी जो ऐसे आदमी हैं जो दिमाग के सिर फिरे हैं वो किसी गबारा नहीं सोचते वो काम अपना काम कर देते हैं जो करने वाला है ऐसा तो सारी जो जितना विश्व है वो सारा ही बर्बाद हो जाएगा जी इसलिए वो यूनाइट हो रहे हैं। आप हमारे मित्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं विश्व शांति मैं के अपने मित्रों को यही संदेश देना चाहता हूं मैं कि उन लोगों को उन नेताओं को चुनिए जो सीमाओं की रक्षा करने वाले हैं और सैनिकों के हित में बात करने वाले हैं और आतंक के जो विरोधी हैं अति विरोधी हैं और आतंक का जो सहन करने की जीरो टॉलरेंस है जो हमारी केंद्रीय सरकार की नीति है सरकार को साथ दीजिए मैं जम्मू कश्मीर वाले साथियों को भी कहूँगा जो मुसलमान जो हमारे भाई हैं हिंदू बाई हैं या जो भी जिनका कभी हुरियत वालों के साथ या दूसरे आतंकियों के साथ कभी उनका जराना रहा होगा या उनके प्रति विश्वास रहा होगा वो इस भ्रम में ना रहें इस भ्रम को त्याग दें राष्ट्रीय धारा में आए राष्ट्रप्रेम अपनाएं अपना आएं, जो कर्म करने वाला उसे करें शांति होगी तो हम सब की तरक्की होगी देश तरक्की करेगा देश तरक्की करेगा तो हम मजबूत होंगे हमारी आर्थिक आर्थिकता मजबूत होगी हमारे बच्चे मजबूत होंगे तो सुख और शांति मिलेगी आतंक के मिटने में ही शांति है आपने आ, आतंक और विश्व शांति के बारे में बात की साथ ही साथ हमारे मित्रों को एक संदेश भी दिया कि हमें किस तरह से विश्व में शांति लानी है आपस में प्रेम होगा भाईचारा होगा विश्वसनीय होंगे तभी हम विश्व में शांति प्रदान कर राष्ट्रीयता की भावना होगी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत धन्यवाद मित्रों इस कविता में आपको क्या सीखने को मिला ये आप ही जानते हैं अगली कड़ी में नई कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति नमस्कार ओम शांति